क्या आप भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं या आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है और आप लोग मंदी खाने का प्लान कर रहे हैं? देन यू शुड डेफिनेटली विजिट मंदी हाउस विच इज़ एट सईदाबाद। 20 to 25 मेम्बर्स के कॉम्बो में आपको मिल जाते हैं 3 चिकन प्लेटर, 1 चिकन मिक्स प्लेटर, मटन मंदी प्लेटर मिक्स। चेयरमैन A18 तेलंगाना न्यूज़, मोहम्मद आजम अली। जमायतुल उलमाए हिंद तेलंगाना व आंध्र प्रदेश ने आने वाले तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में BRS पार्टी की ताईद का ऐलान किया और माइनॉरिटीज से BRS को मजबूत बनाने की अपील की है। जमायतुल उलमाए हिंद के इजलास में वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की और इस इकदाम के लिए जमायतुल उलमाए हिंद के सदर मुफ्ती गयासुद्दीन और जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती ज़ुबैर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि रियासत तेलंगाना सेकुलरिज्म की मिसाल है, यहाँ तमाम मजाहब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आपसी इतिहाद के साथ गंगा जमनी तहजीब के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वजीर आला KCR मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसिल काम कर रहे हैं। तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जिसमें अकलियतों की फलाह व बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा बजट अलॉट किया गया है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने माइनॉरिटीज़ की तरक्की की खातिर कई इस्कीमात मुतारिफ करवाए हैं जिनमें काबिल ज़िक्र शादी मुबारक, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, अकलियती अकामती मदारिस का क़याम है। मरकज़ी वजीर ख़जाना यहाँ आकर BRS को तनखीद का निशाना बना रही है जबकि दरहक़ीक़त रियासत के कई फंड्स मरकज़ी हुकूमत ही जानबूझ कर रोक रही है। मरकज़ी हुकूमत की वजह से रियासत तेलंगाना को 1,00,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। BRS पार्टी तमाम तबक़ात की मसावी तरक्की की कोशिश करती है तो दूसरी जमातें मजहबी सियासत कर रही है। मुस्तकबिल में भी BRS हुकूमत तेलंगाना अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुसलसिल कोशिश करती रहेगी। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ़ ने जमायतुल उलमाए हिंद से मखसूस दुआओं की गुजारिश की। मैं हर साल, सभी साहब जानते हैं, 10 लोगों को, गरीब मुसलमानों को मैं उमरा भिजाता हूँ मेरा खुद की तनख्वाह के पैसे से। पिछले 6 साल से वो भी मैं चुनता हूँ। हमारे कमेटी को बोलता हूँ, भाई आप दरखास्त लो, जो गरीब है आप चुनो, जो 10 लोगों को आप चुनते हैं मैं ही फ्लाइट टिकट बना के उनके आने का जाने का इंतजाम करके हर साल 10 लोगों को मैं उमरा भिजा रहा हूँ। पिछले 6-7 साल से भिजा रहा हूँ। जो भी काम है, मेरे पास डबल बेडरूम दिया, 2000 डबल बेडरूम दिए तो 650 मुसलमान लोगों को मेरा से दीजिए। क्यों बोले तो गरीबी ज्यादा है वहाँ। ये कह रहे कि मैं कलेक्टर को बोला, भाई जो गरीब है दे दो, जेन्यून है दे दो, मैं हाथ उंगली लगाने वाले नहीं। निकाले तो 650 मिला। क्यों बोले तो गरीबी है। कांग्रेस वाले बार बार पूछते हैं, भैया आप ये भी सोचिए, आप उनको क्या हो गए, फकर हो गए। क्या फकर है कि इधर कुछ भी करो, कुछ काम करो, नहीं करो मुसलमान का वोट कांग्रेस को गिरना ही है। अब उनके पास रास्ता है क्या? एक तरफ BJP, दूसरा तरफ कांग्रेस। कुछ भी नहीं करो मेरे वोट गिरता बोलते उनको जरा गर्व गर्व तो क्या बोलते हैं। इस देश में कहीं जाके आप देखिए, बंगाल में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, सबसे गरीब अगर से इंडिया में और कोई है, SC से भी गरीब है अपने मुसलमान। इसका जिम्मेदारी कांग्रेस नहीं होता। 55-60 साल से तो उनका ही हुकूमत है, दिल्ली में उनका है, राज्य में उनका है, गली में उनका है, फिर गरीबी क्यों है? क्या ये गरीबी हटाने के लिए आप लोग क्या काम करें कांग्रेस पार्टी, इसका तो जवाब मिलना चाहिए। हम भी बोल सकते, बाबरी मस्जिद तुम ही गिरा दिए, तुम्हारे जमाने में ही गिर गए। हम तो ऐसा बात नहीं बोल रहे, हम जो काम करे बता रहे, आगे जो काम करना चाहते हैं वो बताते हुए हम वोट पूछ रहे। लेकिन ये लोग हमारे ऊपर गलत बात कह रहे हुए आज वोट डिस्टर्ब करने का कम्युनिटी में काम कर रहे। आज सबसे ज्यादा बजट इंडिया में माइनॉरिटीज के लिए अगर से कोई CM साहब दिया वो KCR साहब ने दिया है और कोई गवर्नमेंट नहीं दिया। आप चेक कर सकते हैं गूगल में।